स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो चैनलिंग फेंसिंग होती है उसकी बेसिक डिटेल में, यानी थोड़ा जो उसका बेसिक डिटेल है, जैसे थिकनेस हुआ, पैकिंग रोल हुआ, हाइट हुआ, गैल्वनाइज्ड का हुआ, और जो भी मेजरमेंट का ओपनिंग स्पेस होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा पूरा डिटेल। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अगर चैनलिंग फेंसिंग की पहले अगर थिकनेस की बात करूँ कि जो मार्केट में हमें अवेलेबल है, कि मार्केट में जो अगर थिकनेस की बात करें तो थिकनेस जो मार्केट में अगर अवेलेबल वाली बात है तो ये थिकनेस ऑफ वायर होता है वो हमारे जो मार्केट में होता है 0.5 mm टू 0.5, यानी 0.5 से लेके 5 mm जैसा हमें जो मार्केट में इसका थिकनेस ऑफ वायर मिलता है। मतलब थिकनेस की बात करें तो जैसे मैं समझाता हूँ आपको कैसा होता है ये चैनलिंग फेंसिंग, अक्सर आपने देखा भी होगा। मैं एक छोटा सा उसको बनाता हूँ स्केच। ये जो वायर का होता है थिकनेस, ये हमें वायर का थिकनेस सबका अलग अलग आता है, और जो मार्केट में मिलता है वो 0.5 से लेके 5 तक। ये हमारा 0.5 mm टू 5 mm जैसा मार्केट में हमें बिल्कुल इजीली मिल जाता है। अगर इससे अगर आपको मोटा लेना रहेगा तो थोड़ा दिक्कत होती है। क्या इसकी हम थिकनेस की बात कर दिए, अगर हम पैकिंग रोल की बात करें, पैकिंग रोल जो आता है हमारे पास वो 0.5 मीटर टू 25 मीटर लेंथ में आता है। जो 25 मीटर में बताया वो सबसे ज़्यादा लेंथ की हो गई। 25 नहीं लेते हम लोग नॉर्मली, जो हम लोग लेंथ में मंगाते हैं वो 20 मीटर 15 मीटर जैसे मंगाते हैं। इसमें लेंथ विड्थ की बात करें तो जैसे ऐसे अपना चैनलिंग फेंसिंग होती है। एक मैं थोड़ा इसका स्केच बना के मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसा होता तो ये वाली हमारी ऐसे लेंथ में चली जाएगी, इसको लेंथ बोलते हैं। और ये जो हमारी होती है ऐसे, इसको विड्थ बोलते हैं। तो फिर आपको पता होगा, तो ये विड्थ यानी जो हमारा ये लेंथ जो मिलेगा मार्केट में वो 0.5 मीटर टू 25 मीटर ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। होता तो और भी, लेकिन अब 25 मीटर इजीली मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। इससे आपको बड़ा लेंगे तो दिक्कत ये होती है कि लेबर को उसको हैंडलिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इसका वेट बढ़ जाता है उठाने में, फिर रोलिंग करने में, फिर अपने जो वाल होते हैं उस पर खड़ा करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे की बात करें इसकी हाइट की, मैं सब इसकी बेसिक डिटेल बता रहा हूँ ताकि आप इसको अगर मार्केट में परचेस करना हो तो इजीली मिल जाए, क्योंकि अगर कुछ इधर उधर लिख देंगे तो मार्केट में मिलता नहीं है। इसकी हाइट की बात करें तो 0.5 मीटर टू 6 मीटर यानी ये वाली डिस्टेंस हाइट में, क्योंकि ये 0.5 टू 6 मीटर, मैं ये हाइट की बात कर रहा हूँ, ये वाली हाइट, इसको विड्थ भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं। तो ये हाइट हमारी होगी वो 0.5 टू 6 मीटर होगी। नॉर्मल जो हम लोग अभी यूज करते हैं वो 2.5 से लेकर 2.9 मीटर, जो नॉर्मली हमें अक्सर हर जगह देखने को मिलता है वो 2 मीटर होगा या फिर 2.5 मीटर का होगा। तो कोई लोग 2.1 मीटर का ऑर्डर करते हैं, कोई 2.5 का ऑर्डर करता है, और अपना नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज में जो यूज़ करते हो 2.5। बाकी अगर 6 मीटर की बात करें तो ये इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है अक्सर, जहाँ बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं हाइट में फैंसिंग, वहाँ पे अक्सर ये चीज़ें यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, और रही बात अगर मैं गैल्वनाइज की बात करूँ, क्योंकि इस पर जो हमारा होता है इस पर गैल्वनाइज की कोटिंग आती है। दो टाइप की कोटिंग होती है, एक कॉमन कोटिंग होती है जो नॉर्मल कोटिंग करते हैं गैल्वनाइज की, जिसमें जिंक की कोटिंग होती है। अगर गैल्वनाइज कोटिंग की बात करूं मैं, गैल्वनाइज्ड वायर पे जो कोटिंग करते हैं वो 50 से 110 ग्राम पर स्क्वायर मीटर लगता है। ये हमारा कॉमन में होता है, जो कॉमन नॉर्मल लोग यही सब यूज करते हैं। अगर हम हैवी गैल्वनाइज की बात करें तो उसका 215 से 370 ग्राम पर स्क्वायर मीटर में हमारा जो इस पे अगर गैल्वनाइज करेंगे तो उसमें हमारा इतना मोटी थिकनेस में हमारा हो जाएगा। तो इसमें पर स्क्वायर मीटर यानी एक स्क्वायर मीटर में इतना हमारा
215 से लेके 370 ग्राम जैसा हमारा चला जाएगा। ये हैवी हैवी गैल्वेनाइज करते हैं। इस पर अपन जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि इसमें जो जंग वगैरह ना लगे, क्योंकि ये बारिश में रहता है, धूप बारिश सब लगती है, इसलिए इसमें जंग ना लगने का चांस ना हो, इसके लिए हम ऐसा करते हैं। और ओपनिंग स्पेस की बात करें, अगर हम ओपनिंग स्पेस की बात करें, ओपनिंग मीन्स जैसे ये हमारा होता था, इसकी इसकी गैपिंग वो कितनी होतनी चाहिए, ये चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो जैसे इसमें ओपनिंग स्पेस कई साइज में आते हैं, जैसे 50x50 का mm, 25x25, 75x75, ऐसे 100x100, ऐसे डिफरेंट टाइम के आते रहते हैं मार्केट में। जो हमें अगर जितना ये विड्थ में चौड़ी रहेगी उसकी, मतलब अंदर की ओपनिंग जितनी ज़्यादा रहेगी उतना वेट कम आएगा, जितना अगर स्पेस कम रहेगा, जैसे इसका अगर स्पेस की बात करें तो ये इसका स्पेस कम है तो इसमें वेट ज़्यादा आएगा, जो 25x25 का, इसलिए जितना बड़ा स्पेस रहेगा उतना कम वेट आएगा, और जितना स्पेस कम रहेगा उसमें कम। तो और साथ में ये डिपेंड करता है कि इसकी थिकनेस ऑफ वायर क्या है। थिकनेस वायर मीन्स ये कि वायर की जो थिकनेस है वो कितनी है, हमको थिकनेस अगर ज़्यादा मोटी कर लेंगे तो भी दिक्कत होगी, पतली कर लेंगे तो वेट उसके हिसाब से, मतलब ये उसके हिसाब से वेरी करता है, जो अपनी ओपनिंग स्पेस और थिकनेस के हिसाब से इसका वेट नॉर्मल किसी में कामन नहीं कि स्क्वायर मीटर में इतना ही होगा, ये वेरी करता रहता है जो भी उसके अपना ओपन स्पेस के हिसाब से। इसका अगर वेट की बात करूँ मैं तो ये वेट में टॉलरेंस वाली बात है, जो वो प्लस माइनस 3% होता है, ये मतलब इसका 3+ माइनस ऊपर नीचे वेट का होता रहता है, क्योंकि इसमें जो कोटिंग होती है उसके हिसाब से कुछ होता है, कुछ अपना मेजरमेंट के हिसाब से हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसका मेजरमेंट कैसे कैसे करते हैं, अगर ये 50x50 का है तो ये कैसे मेयर का, अक्सर ये लोग गलती कर देते हैं। मैं आपको एक बना कर दिखाता हूँ, या मानिए चैनलिंग फेंसिंग है, इसका मेजरमेंट करते हैं। और पहली चीज़ ये ध्यान रखिए, जो ये ऊपर की आएगी सारी वायर्स अपनी जो रहती हैं, जो भी थिकनेस को पूरा ऐसे यू शेप में बेंड रहनी चाहिए, सारी जितनी फेंसिंग आएगी वो सारी बेंड रहनी चाहिए। कभी कभी रहता है ऐसे ओपन रहता है तो उसमें निकलने का डर रहता है, स्लिप मार जाती है, ताकि फेंसिंग बाहर आ जाती है, कुछ एक दो ज़्यादा नहीं आती है, यहाँ से ऐसे खुल के ऐसे गंदा सा लगेगा। तो ये सारी ऐसे बेंड होनी चाहिए लास्ट में, जितना भी ऊपर और नीचे ये हमें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये ऊपर नहीं सही से यू शेप में बना हुआ है तो दिक्कत होती है। और मेजरमेंट करने का सबसे एक चीज़ होता है कामन, अक्सर ये लोग गलती करते हैं, कोई लोग ऐसे डायगोनली मेजरमेंट करते हैं उसके, ऐसे वो गलत होता है दोस्तों। अपन डायगोनली नहीं मेजरमेंट करते, जो इसका एक चैनल वो वायर रहेगा और दूसरे वायर के बीच में ही गैपिंग मेजरमेंट करते हैं, ऐसे पूरा एक स्क्वायर शेप में जो भी होगा, स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगुलर हो, उसके हिसाब से अगर 50x50 का है तो ये स्क्वायर शेप होगा, यानी उसका अपना ये दीवार है स्क्वायर की बात करें तो ये अपना मेजरमेंट करने का होता है, यानी इस सेंटर से मेजरमेंट करते हैं जो भी है इसका, ऐसे डायगोनली कभी नहीं मेजरमेंट करते, कई लोग ऐसा होता है कि ऐसे डायगोनल मेजरमेंट करते हैं। तो ये मेजरमेंट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आनी चाहिए, अगर मेजरमेंट आप गलत कर देंगे तो स्पेसिंग बढ़ जाएगी उसकी, ऐसे कभी नहीं मेजरमेंट करते, कई लोग ऐसे मेजरमेंट करते हैं, ये गलत है दोस्तों, ये वाला राइट है कि अपन ये ऐसा है तो ये 50 है तो ये भी 50 ही होगी, मतलब कोई फिक्स नहीं है, अपना 50x75 mm का भी आता है ओपन स्पेस, और इसी को ओपन स्पेस बोलते हैं हम लोग। तो ये 50x75x75 का ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइज के आते हैं, जो आपको इच्छा वो अपने वेट के हिसाब से मंगा सकते हैं, क्योंकि इसका डिपेंड करता है कि आप लगा रखा रहे उसके हिसाब से इसकी थिकनेस और स्पेसिंग का ध्यान देते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, जो इसकी बेसिक डिटेल है। अगले वीडियो में मैं इसका वेट निकालना आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसका वेट निकालते हैं, अगर हमारे पास का ये 50x50 का तो इसका वेट कैसे निकालेगा, 4 mm का थिकनेस है, 2 mm का थिकनेस है, तो वेट कैसे निकालेंगे, ये चीज़ पे अगला वीडियो मैं इस पर ही बनाने की कोशिश करूँगा।